एक चुड़िया की तीन नसीहतें। एक शख्स ने चुड़िया पकड़ने के लिए जाल बिछाया। इत्तेफाक से एक चुड़िया उसमें फंस गई और शिकारी ने उसे पकड़ लिया। चुड़िया ने उससे कहा, ए इंसान, तुमने कई हिरण, बकरे और मुर्ग वगैरह खाए हैं, उन चीज़ों के मुकाबले में मेरी क्या हकीकत है? ज़रा सा गोश्त मेरे जिस्म में है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? तुम्हारा तो पेट भी नहीं भरेगा, लेकिन अगर तुम मुझे आज़ाद कर दो तो मैं तुम्हें तीन नसीहतें करूँगी, जिन पर अमल करना तुम्हारे लिए बहुत मुफीद होगा। उनमें से एक नसीहत तो मैं अभी करूँगी, जबकि दूसरी उस वक्त जब तुम मुझे छोड़ दोगे और मैं दीवार पर जा बैठूँगी। इसके बाद तीसरी और आखिरी नसीहत उस वक्त करूँगी जब दीवार से उड़कर सामने दरख्त की शाख पर जा बैठूंगी। उस शख्स के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि ना जाने चुड़िया क्या फ़ायदेमंद नसीहतें करे। उसने चुड़िया की बात मानते हुए उससे पूछा, तुम मुझे पहली नसीहत करो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चुनाचा चुड़िया ने कहा, मेरी पहली नसीहत यह है कि जो बात कभी नहीं हो सकती उसका यकीन मत करना। ये सुनकर उस आदमी ने चुड़िया को छोड़ दिया और वो सामने दीवार पर जा बैठी। फिर बोली, मेरी दूसरी नसीहत यह है कि जो बात हो जाए उसका गम ना करना। और फिर कहने लगी, ए इंसान, तुमने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि मेरे पेट में पाव भर का इंतहाई नयाब पत्थर है। अगर तुम मुझे ज़बा करते और मेरे पेट से उस मोती को निकाल लेते तो उसके फ़रोग करने से तुम्हें इस कदर दौलत हासिल होती कि तुम्हारे आने वाली कई नस्लों के लिए काफ़ी होती और तुम बहुत बड़े रईस हो जाते। उस शख्स ने जो ये बात सुनी लगा अफसोस करने और पछताया कि उस चुड़िया को छोड़कर अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती की। अगर उसे ना छोड़ता तो मेरी नस्लें सवर जाती। चुड़िया ने उसे इस तरह सोच में पड़े देखा तो उड़कर दरख्त की शाख पर जा बैठी और बोली, ए इंसान, अभी मैंने तुम्हें पहली नसीहत की, जिसे तुम भूल गए कि जो बात ना हो सकने वाली हो उसका हरगिज़ यकीन न करना। लेकिन तुमने मेरी इस बात का एतबार कर लिया कि मैं छटाक भर वजन रखने वाली चिड़िया अपने पेट में पाव वजन का मोती रखती हूँ। क्या ये मुमकिन है? मैंने तुम्हें दूसरी नसीहत ये की थी कि जो बात हो जाए उसका गम ना करना, मगर तुमने दूसरी नसीहत का भी कोई असर ना लिया और गम व अफसोस में मुब्तला हो गए कि ख्वा मखा मुझे जाने दिया। तुम्हें कोई भी नसीहत करना बिल्कुल बेकार है। तुमने मेरी पहली दो नसीहतों पर कब अमल किया? जो तीसरी पर करोगे तुम नसीहत के काबिल नहीं। ये कहते हुए चुड़िया फिर से उड़ी और हवा में परवाज कर गई। वो शख्स वहीं खड़ा चुड़िया की बातों पर गौर फिक्र करते हुए सोचों में खो गया। वो लोग खुश नसीब होते हैं जिन्हें कोई नसीहत करने वाला हो। हम अक्सर खुद को अकले कुल समझते हुए अपने मुखलिस साथियों और बुज़ुर्गों की नसीहतों पर कान नहीं धरते और उसमें नुकसान हमारा ही होता है। ये नसीहतें सिर्फ कहने की बातें नहीं होती कि किसी ने कह लिया हमने सुन लिया, बल्कि दानाई और दूसरों के तजुर्बात से हासिल होने वाले अनमोल असासे हैं जो यकीनन हमारे लिए मशले राह साबित हो सकते हैं अगर हम इन नसीहतों पर अमल भी करें।